सेट 4 के सॉल्यूशन के तहत सबसे पहले क्वेश्चन में लोगों को दिया गया है, स्टेट द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस इथेन फ्रॉम इथिलीन। इथिलीन से इथेन हमें प्रोड्यूस करना है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इथेन से इथिलीन की प्रतिक्रिया को हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करवा के हमें इथिलीन से रिएक्शन को स्टार्ट करके इथेन मिला। ये रिएक्शन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कंडीशन भी एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी में दिया गया, जिनको दिक्कत होगी हिंदी में काइंडली हमें बता दें, हम ट्रांसलेट करके आपको कमेंट से करते। अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इज इट पॉसिबल टू यूज HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2S। आंसर है नहीं। अगर आप H2S का इस्तेमाल करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल करेंगे H2S के प्रिपरेशन में, तो आफ्टर जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, रिएक्शन की वजह से फाइनल प्रोडक्ट आपको कभी भी आपको जो H2S चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पाइजल और एल्निको के बारे में। स्पाइजल और एल्निको ये दोनों बहुत ही अलग क्वेश्चन है, आई थिंक अनकॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको शायद ना मिले, इसलिए मैं बता दूं। स्टार्ट करते हैं पहले एल्निको के बारे में। एल्निको ये तीन वर्ड से बना हुआ है, इन तीनों वर्ड्स का आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे एल्निको के बारे में बताया गया है। मैंने ये विकिपीडिया से लिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं जाके, पर मैंने आपको आप सर्च ना करना पड़े इसलिए आंसर दे दिया। एल्निको में देख सकते हैं कि तीन मटेरियल्स है, एल नी और को, एल्यूमिनियम निकेल और कोबाल्ट। इसके अलावा स्पाइजल पे आते हैं, आप आते हैं आंसर स्पाइजल पे, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं स्पाइजल का आंसर हमारे पास दिया गया है क्या है। काइंडली इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को जरूर कवर करें, और इन दोनों क्वेश्चन की वैल्यू काफी ज्यादा हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि अनकॉमन क्वेश्चन है, कहीं पूछ दिया तो कवर करना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्री यूरेनियम एलिमेंट। ओके, प्री यूरेनियम एलिमेंट के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली बुक में, ये क्वेश्चन अभी तक मेरे लिए एक डाउट बना हुआ है। तो प्री यूरेनियम एलिमेंट के बारे में मैं बाद में कभी नेट पे बैठ के सर्च करूंगा, और अगर मुझे कुछ अच्छा आंसर मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिलहाल मैं प्री यूरेनियम एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वी फाइंड हीलियम इन माइंस ऑफ रेडियोएक्टिव ओर्स। तो रेडियोएक्टिव ओर्स यानी कि जो माइंस है हमारे जहां पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, उन माइंस में हीलियम गैस पाया जाना का रीजन क्या है। ध्यान से सुनिए इस बात को, इसका आंसर हमारे पास नहीं है, केवल ये रीजन ही आपको समझना है। तो रीजन ये है कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वो डिसइंटीग्रेट होता है, यानी उनके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन हमेशा उनका न्यूक्लियस ऑलवेज चेंज होते रहता है, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स चेंज होते रहते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इनका बार बार चेंज होना है, इस वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के चेंजेस की वजह से होता यह है कि इनका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते रहता है। अब ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो रहे हैं, ये जाके स्टेबल तब होते हैं जब ये आउटर सेल किसी एक ऐसे स्टेटस में पहुंचे जहां पर ये स्टेबल हो गया। हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो सबसे मिनिमम है, तो ये डिसइंटीग्रेशन इसी तरह से चलते रहता है। और आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी अल्फा एमिशन होता है तो अल्फा एमिशन के दौरान में हीलियम प्रोड्यूस होता है। दरअसल जो एलिमेंट वहां अल्फा एमिशन में निकलता है वो हीलियम होता है, इसी वजह से हीलियम गैसेस वहां इतना ज्यादा पाए जाते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बार्लोसविल। आप देख सकते हैं हमारा वर्किंग प्रिंसिपल लिख दिया गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा गया है जब एक धारावाहिक चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक यांत्रिक बल का अनुभव करता है, इसमें विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस प्रिंसिपल को अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं थोड़ा समझा दूं। होता क्या है, जब भी आप किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, बोला गया है कि जब कोई एक धारावाहिक चालक को चुंबक के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया रखा जाता है तो एक यांत्रिक बल का अनुभव करता है। कौन सा मैकेनिकल फोर्स का यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स को वो फील कर रहा है। कौन सा मैकेनिकल फोर्स, ये मैकेनिकल फोर्स है मैग्नेटिक पार्ट। आप जानते हैं किसी भी एक मैग्नेटिक एलिमेंट के अंदर में मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की पावर होती है, इसी पावर की बात की गई है। इसमें विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इसी चीज को प्रिंसिपल बना के बार्लो का चक्का जो है वो घूमता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम अगर अपने अगले किसी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करके और एक बार समझाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमसे पूछा गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एसी जनरेटर क्या होता है। एसी जनरेटर ऐसा एक जनरेटर है जो, रिमेंबर, मोटर और जनरेटर दो चीजें हैं। आप लोगों ने इससे पहले रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में इसे देखेंगे जरूर। मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर क्या है। मोटर एक ऐसा बनावट है, एक ऐसा मशीन होता है जिसमें आप मैकेनिकल एनर्जी दीजिएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिएगा और वो आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल आप फैन में मोटर देखते हैं,
फैन में आपको करंट देना पड़ता है, वो आपको हवा देती है, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ मोटर। जनरेटर इसका ठीक उल्टा काम करती है, जहां पर आपको मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एसी जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो एसी करंट को प्रोड्यूस करता है, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी गेट द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो यूजिंग चार्ल्स लॉ। इसके लिए हम लोग चलना होगा अपने बोर्ड पे, हम लोग अपने बोर्ड पे चलते हैं, वहां से इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे। होने वाले हैं चार्ल्स लॉ यूज करके एब्सोल्यूट जीरो को डिराइव, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट को समझते हैं। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट याद है, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट? V is proportional to T, आयतन तापमान के समानुपाती है, तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, राइट? और उन्होंने ये भी बताया था कि कितना बढ़ेगा, राइट? इस दौरान हम लोगों ने प्रेशर को और बाकी जो फिजिकल सर्कमस्टेंसेस उनको कांस्टेंट कर दिया। तो हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही बात उन्होंने कहा था। लेकिन कैसे? उन्होंने कहा था कि अगर आप तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाते हैं तो जो ओरिजिनल तापमान था उससे उसका 1/273 भाग बढ़ जाएगा, राइट? तो इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं, V0 कॉमन करके 1+1/273। वैसे ही अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 क्या होगा? जो V0 पे था, V0 पे जो टेम्परेचर था, उस तरह से हम लोग डिराइव करके जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनली VT का एक्सप्रेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है? VT होगा बिल्कुल इसी तरह से V0 1+T/273। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। अब इस टेम्परेचर में आप टेम्परेचर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों देख सकते हैं। आप बोलिए कि टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो VT की वैल्यू क्या होगा, VT के सफिक्स में हो जाएगा ना -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वैल्यू क्या निकलेगा, V0 1+-273/273, ठीक है? कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलने वाला है, V0 = 1 - 1, What is the value of 1 minus 1? It is 0. So 0. क्या पता चला कि जब आप किसी एक गैस का टेम्परेचर कर देंगे -270 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, रिमेंबर, तो उसका वॉल्यूम हो जाने वाला है 0, which is impossible. इसी 0 को बोलते हैं परम शून्य। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट 0, जिसको हम लोगों ने डिराइव किया चार्ल्स लॉ से। क्लियर है ये बात? लेकिन यहां पर सबसे जरूरी जो बात पहले बता दूं कि एब्सोल्यूट 0 इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते करते -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे, उस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते कोई भी गैस गैस नहीं रहता, वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, स्टेट चेंज कर लेता है मतलब सॉलिड लिक्विड कुछ भी किसी एक में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सॉलिड नहीं रहता, सॉरी वो गैस नहीं रहता। और जो हमारा बॉयल्स चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, ये सारे के सारे लॉस किस पर डिपेंडेंट है, ये सारे लॉस गैस के लिए। तो हमें क्या मिला कि चार्ल्स लॉ से एब्सोल्यूट 0 एंड एब्सोल्यूट 0 क्यों इम्पॉसिबल है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम आप लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है ईस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड को यूज करना और ईस्टर बनाना है। इस रिएक्शन का एक और नाम है ईस्टरीफिकेशन, तो इसे ईस्टरीफिकेशन के नाम पे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है ईस्टरीफिकेशन के नाम पे भी। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए ईस्टरीफिकेशन के रिएक्शन को बताए तो आपको यही लिखना पड़ेगा। इसमें एसिटिक एसिड ईस्टर में कन्वर्ट होता है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास दिया गया जो है वो है एसिटिक एसिड, रिएक्ट कर रहा है विद इथाइल अल्कोहल और हमें जो फाइनली मिल रहा है वो एसिटेट है, ये एक ईस्टर है। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ईस्टर का अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है तो काइंडली ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप को पढ़ के आइए। हम लोग अगले क्वेश्चन में इसे भी इंक्लूड कर लेंगे कि ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसा होता है। और इथाइल एसिटेट एक हमारे पास ईस्टर आया, फाइनली ये प्रोडक्ट है। आप इसके एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हैं कि ईस्टर के एग्जाम्पल में से ही है। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन था। 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। What happen if AC current is used in electrolysis? Okay, electrolysis पे अगर हम AC current का यूज करें तो क्या होगा? देखिए electrolysis जो प्रोसेस है ये जनरली DC पे कंडक्ट होती है, AC पे कंडक्ट नहीं होती। रीजन ये है कि DC के जो वोल्टेज आउटपुट है, जनरली हम electrolysis के प्रोसेस को 1.5 के वोल्टेज तक ही कर सकते हैं। AC को अगर आप रिड्यूस करके भी करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं AC करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट वो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, जो कैथोड और एनोड है वो हमेशा अपने प्लेस चेंजेस करते रहेंगे और ये कभी कभी रिएक्शन काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाता है और रिएक्शन के दौरान आग भी लग सकती है। इसीलिए हम कभी भी AC करंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गिव द केमिकल रिएक्शन व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड विद
हीटेड अप विद नाइट्रोजन इन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आप लोगों को ये याद आ गया होगा, हम लोगों ने प्रीवियस सेट में ही कंप्लीट किया था कैल्शियम साइनाइड बनना जिसको नाइट्रोलीन कहा गया था, तो ये नाइट्रोलीन वाला रिएक्शन है, आप लोग देख भी सकते हैं। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा कैसे आप लोगों ने किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी डायरेक्ट जिस तरह से अभी आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कवर कर लिया था, मैंने जस्ट एक दोबारा ये क्वेश्चन दे दिया ताकि ये वे ऑफ क्वेश्चनिंग आपको याद रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अमोनिया गैस सेंसर। अमोनिया गैस सेंसर आपको पता है अमोनिया गैस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है स्किन के लिए, इसीलिए अमोनिया गैस सेंसर लगाना जरूरी है। इसी गैस सेंसर के बारे में बात की गई है। कॉज ऑफ लोएस्ट वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सेल, आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हम लोग लॉस्ट वोल्ट के डेफिनेशन को भी जानेंगे। लॉस्ट वोल्ट है क्या? दरअसल एक सेल में लॉस्ट वोल्ट का मतलब होता है जब आप उस सेल को का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको उसके करंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्ट जो है ना उसे हम लोग कहते हैं लॉस्ट करंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके फैक्टर्स कौन कौन है, तो उन्हीं फैक्टर्स ही से ये डिपेंड करता है, उन्हीं पे ये डिपेंड करता है। तो कॉज आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस आप देख सकते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर बैक्टीरिया जनरली इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा सेट 4 का, इसमें गलती से लगता है सेट 3 रह गया है, तो पढ़िएगा। ओपन एंड मैनोमीटर एंड क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में जो आपको मैनोमीटर दिखाया जा रहा है, जनरली पहले मैं ये बता दूं कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं। मैनोमीटर्स प्रेशर मेजर करने के लिए होते हैं, लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर को नहीं। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर्स है। मैनोमीटर्स जनरली किसी भी एक सैंपल के प्रेशर को कैलकुलेट करता है। अब यहां पर कोई भी आपसे एक सैंपल यूज कीजिए जिसका आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप दो तरह के, आप इस ट्यूब को देख पा रहे हैं, इस ट्यूब में दो तरह के ट्यूब्स पॉसिबल है, एक ऊपर का एंड खुला हुआ है, दूसरा ऊपर का एंड क्लोज है, तो इन दोनों आधार पर आपको दो तरह के मैनोमीटर्स मिलते हैं, ओपन एंड मैनोमीटर और क्लोज एंड मैनोमीटर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर क्या लिखे, क्वेश्चन के आंसर में क्या हम ये डायग्राम बनाए, आंसर इज यस। ओपन एंड मैनोमीटर और क्लोज एंड मैनोमीटर का डायग्राम ड्रॉ करके आप इसे बताइए। आई होप ये आंसर बिल्कुल भी किसी भी हद से गलत नहीं है, और इसे अगर आप सर्टिफाई करना चाहते हैं तो अपने किसी स्कूल के टीचर या किसी ट्यूशन टीचर से भी पूछ के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा ये क्वेश्चन, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जैसा कि आप लोगों को सिखाया गया है मेरी बस इतनी सी मदद करो कि सबकी मदद करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सारे क्वेश्चन के आंसर भी देख पाएंगे प्लस एक नया सेट भी ले पाएंगे, इस तरह से आप अपने हर एक प्रिपरेशन को कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्रीवियस वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे, उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इस तरह से अपने प्रिपरेशन को करते रहिए। उम्मीद करता हूँ मैं माध्यमिक तक आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में से हर एक क्वेश्चन जरूर कॉमन दिला पाऊँ। क्वेश्चंस कॉमन होने हैं, बस आपको आंसर्स याद रहेंगे तो आप लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है किसी भी तरह की खट्टी चीज़ को हम एल्युमिनियम या ब्रास पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? एल्युमिनियम या ब्रास के पीतल के बर्तनों में अगर आप कोई खट्टी चीज़ रखेंगे तो, या कोई भी खट्टी चाहे वो अचार हो, पिकल्स अचार की बात की गई है, सॉस हो, आप अगर रखेंगे तो क्या होता है बताइए। यार रिमेंबर, इसके साथ बहुत सारे बच्चे आंसर में सिर्फ केवल बोल देते हैं कि वो रिएक्ट कर जाएंगे और पॉइजनस चीज़ें बनेंगी, ये एनफ नहीं है। यू हैव टू मेंशन द केमिकल रिएक्शन, रिमेंबर इट, यू हैव टू मेंशन द केमिकल रिएक्शन। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीमर्स आपको पता है, सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पूछा गया है, इनको आपको प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इको फ्रेंडली होना। बायोडिग्रेडेबल्स इको फ्रेंडली होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, पर क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में, इनको समझिए। क्योंकि आज के टाइम पर जहाँ पर हमें हमेशा समझाया जाता है कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना किया जाए, वो हमारे एटमोसफेयर को हार्म करते हैं, हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और उसका इफेक्ट हम पर कैसे पड़ रहा है ये बात भी हमें समझनी चाहिए। बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई करी की हुई रहेंगे तो आप दूसरों को समझा भी पाएंगे और खुद इन सब चीज़ों से बचेंगे। तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया मास डिफेक्ट। ओके, ये हायर स्टडीज़ में पूछा जाता है मास डिफेक्ट के बारे में, लेकिन चूंकि एक पेपर में मुझे ये क्वेश्चन दिखा था कभी, तो मैंने सोचा कि एक बार मास डिफेक्ट के बारे में डिस्कस कर ही लिया जाए। इट्स बेटर टू बी ऑन सेफ साइड। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी थ्योरी है, अगर कहीं बच्चों से मिस हो जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बेहतर है कि हम इसे कवर कर लें। तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा मास डिफेक्ट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा कवर कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन मैंने पूरा मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कहा गया कि हैव यू हर्ड अबाउट दैट देर इज समथिंग रिटन इन अ बल्ब लाइक 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो व्हाट डज दैट मीन कि 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसका क्या 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 मतलब है बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से जनरली पूछा जाता है। 220 वोल्ट 100 वाट की जगह में 60 वाट के बल्ब ही होते हैं। आपने CFL के केस में सुना है कि ये वाटेज डिफर करते हैं, LED में और डिफर कर गया है। तो ये क्या है इसके बारे में समझाइए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज डबल्ड, अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉन्स्टेंट। इसे भी मैंने ब्रीफ में लिख दिया, वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जब लेंथ को डबल कर दिया गया है। मतलब कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है, आपको उसका फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिजिकल क्वांटिटीज सारे कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स उसके लेंथ में, लेंथ के अलावा उसके ब्रेथ में चेंज नहीं कर रहे हैं आप, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को नहीं बढ़ा रहे, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, कुछ भी नहीं बढ़ा रहे। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 6 में ओर और मिनरल्स के डेफिनेशन को पूछा गया है। इससे पहले हम लोगों ने एक सेट में इस पर डिफरेंस किया था, तो आई होप कि आपको याद होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की पहचान। देखिए अमोनिया पे हम लोगों ने इससे पहले केमिकल लैबोरेटरी प्रिपरेशन कवर किया था, लेकिन अमोनिया की पहचान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था। तो हम लोग अगर दे दिया जाए कि अमोनिया है उसे पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? एक तो चीज़ आप लोगों को आई होप कि याद होगा कि इसका जो स्मेल होता है वो काफ़ी झांझ वाला होता है, यानी नाखों में लगता है, जैसे कि प्याज का जैसा झांझ होता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन आपको सवाल ये पूछा जाता है कि अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन अगर आपको केमिकली करनी है तो कैसे है? तो दोनों ही तरीके से, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन एंड केमिकल आइडेंटिफिकेशन, दोनों ही रेडी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स। हम लोगों ने इससे पहले एक एग्जांपल कवर किया था इसके रिलेटेड, जिसमें हम लोगों को एक डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, और हम लोगों ने उसमें कुछ स्ट्रक्चर बना के मैंने बताया था। लेकिन इस क्लास में, इस सेट में, जब मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूंगा, तब मेनली आपको मैं इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड्स को और समझाऊंगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को जाके प्रीवियसली कवर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके एग्जांपल्स को, यानी उस क्वेश्चन को मैंने दोबारा यहाँ यूज़ किया है, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ऐसा क्यों? और इसी से उल्टा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। कनकेव को डाइवर्जिंग कहते हैं, ऐसा क्यों? तो कन्वेक्स और कनकेव दोनों से रिलेटेड हम लोग डायग्राम देख के इसे समझने की कोशिश करेंगे, प्लस आप लोग भी अपना प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं, तो वेरी गुड, आप करके रखें। क्वेश्चन नंबर 12, पी वर्सेस वी ग्राफ एंड पी वी वर्सेस पी ग्राफ। आप लोगों ने शायद याद होगा कि ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है, ये ग्राफ आपको दो ग्राफ बनाने हैं, पी वर्सेस वी एंड पी वी वर्सेस पी ग्राफ। तो ये दोनों ही ड्रॉ करना है, इसे रेडी करना है। पी वी वर्सेस पी ग्राफ नहीं, पी वी वर्सेस वी ग्राफ होगा, क्वेश्चन आई थिंक मिसप्रिंट हो गया लिखने में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस गैस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज के टाइम पे एटमॉस्फेयर जो हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी है समझना, उसके वैल्यूज़ को हम लोग प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। यहीं पर ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, समझाया गया था, बहुत सारी बातें बताई गई थी। आई होप कि आप लोग एज अ स्टूडेंट उन सारी चीज़ों को समझने के बाद अपने सीनियर्स को भी समझाते होंगे, और आप लोग भी उन चीज़ों से बचते होंगे जो ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो हम जो चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लेशन। आज मैंने कोशिश की है कि मेन हमारा कंसेप्ट आज चैप्टर नंबर 1 ही रहे, हम लोग इसके सारी चीज़ों को समझें और इससे रिलेटेड करें। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी है जिसको हम लोग अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एल्केन, एल्केन के डेफिनेशन, केमिकल फार्मूला, कुछ एग्जांपल्स, इससे हम लोग कवर करेंगे, और ये है हमारा 15 नंबर क्वेश्चंस। तो इसके साथ हम लोग अपने सेट 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले दिन सुबह में, ठीक कल सुबह 11 बजे हम लोग अपने सेट 5 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, प्लस सेट 6 के नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग तब तक अपने प्रिपरेशन पे लगे रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, और मेरी बस इतनी सी मदद करें कि सबकी मदद करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए, बाकियों को लिंक भेजने के लिए, शेयर के बटन पे आपको दिख रहा है, शेयर पे क्लिक कीजिए, फिर कॉपी लिंक आएगा, कॉपी लिंक कीजिए, उसके बाद देखिए कॉपी दिखा दिया है। अब आप उसे कहीं पर भी जाके शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसे मैसेज में शेयर करना चाहता हूँ, मैंने मैसेज खोला, राइट किया, नए मैसेज में गया, और मैं वहाँ पर स्पेस डाल के, मतलब अब मैं लिंक को पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया, अब इससे मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये कॉपी है मेरे पास, कहीं भी मैं सेंड कर सकता हूँ।